अभी रिसेंटली मेरे पास एक कस्टमर आए थे और उनका कहना ये था कि यार ये प्रोडक्ट में ख़राब आ गया, ये 6 महीने में ख़राब हो गया, ये 1.5 साल में ख़राब हो गया, 2 साल में ख़राब हो गया। मैंने फिर उन्होंने एक अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट लिया। अब तकलीफ़ क्या आती है पता है, लोग क्या करते हैं ना, या उनको सर्विस नहीं मिलती है प्रोडक्ट में, अब लोग क्या करते हैं ना, प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और एक कोई रैंडम चीज़ों पर आके ख़रीद लेते हैं और फिर बाद में उस चीज़ की प्रोडक्ट में की कंप्लेन करते हैं। तो मेरा एक ऑनेस्ट सजेशन होगा कि यार आप जब पे करते हो ना, तो आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करते हो, सिर्फ आप सर्विस के साथ, सर्विस के लिए भी प्रोडक्ट का पे करते हो आप। तो ऐसा नहीं है, आप जब भी कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसकी कई बार आपको ठीक एक अफोर्डेबल डील में एक अच्छा ब्रांड मिल जाता है, मगर यूजली जब आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ना, तो आप प्रोडक्ट के साथ सर्विस की भी कॉस्ट पे कर रहे होते हो, इसीलिए कई प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। तो गाइस प्लीज़, आप जैसा मैंने बोला ना, आप कभी भी रैंडम प्रोडक्ट्स में मत जाओ या कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट में मत जाओ। या तो एक आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट लो, या तो आप एक अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट लो, आप रैंडम मिडिल प्रोडक्ट्स मत लो, क्योंकि उसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि वो कभी आपको सर्विस नहीं दे पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डू सब्सक्राइब, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, देखिए समझे फिर खरीदें।